इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑल अबाउट बी रियल, ठीक है, अपने स्ट्रेस को रिलीज करो राइट, जितना ज़्यादा हो सकता है इसको महीने में एक बार अपने आप से डिस्कस करो और उसको लिखो। रोज टाइम नहीं है, मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा रोज बैठ जाओ एक चिट्ठा लिखो लिखना शुरू कर दो, फॉलो भी नहीं मिलता, ठीक है। बस हर रोज 15 मिनट अपनी माइंड, अपनी बॉडी और अपने स्पिरिट को दो। लाइट रखो लाइफ को, ज़्यादा हेक्टिक, ज़्यादा शेड्यूल टू मच करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेक्टेशन है वो कंडीशन है, डोंट फॉरगेट अबाउट एक्सटर्नल वर्ल्ड, जस्ट फर्स्ट लिसन टू योर सेल्फ। जिस दिन आप अपने सेल्फ को सुनना शुरू कर दोगे आप जिंदगी जीना शुरू कर दोगे, ठीक है। आई एम नॉट हेयर टू लिसन एनी स्पिरिचुअल लीडर, आई एम नॉट हेयर टू से कि आप कोई बड़ी बड़ी चीज़ें फॉलो करो, आपको कोई बड़ा रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है, कहीं रिट्रीट में 7-7 दिन निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको बड़ी से बड़ी चीज़ बताऊँ आपको हमारी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट हेयर टू सेल माई सर्विसेज, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट अबाउट द लाइफ। यस सर, राइट और रॉन्ग? यस सर, परफेक्ट। सो आपका रियल मी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन यूर रियल मी। आपको क्या करना है, उस पर्सन को चुन के इन्होंने करना क्या है, एब्सोल्युटली दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस एक्टिविटी। हमें सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनना है राइट। अब जैसे मैंने क्या बोला, आपको एक पर्सन चुनना है, आपको पूछना है किस चीज के लिए सर, एंड दैट टीम वर्क ऑलवेज हेल्पफुल फॉर योर ग्रोथ, और दैट टीम वर्क ऑलवेज हेल्पफुल फॉर योर फैमिली आल्सो। सर देखिए, सबसे ज़रूरी यह है कि कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा जो सिस्टम हिला है वो एक एजुकेशन, एक टीचर्स का एक सिस्टम है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में आज भी हम लोग कहीं ना कहीं कोविड से उभर तो रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस जो स्कूलों के एजुकेशन लीडर्स के जो हुए हैं उसको संभलने में और निकलने में बहुत टाइम लगेगा, और जो मेंटल चैलेंज, जो एक इतना बड़ा चैलेंज इस लॉस की वजह से आया है स्पेशली स्कूल ऑनर्स और लीडर्स राइट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, छोटा चैलेंज नहीं है। तो फाइनेंशियली ओवरकम होने के लिए, इन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए सिर्फ पैसे नहीं, सपोर्ट नहीं गवर्नमेंट का, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, वो मेंटल हेल्थ होती है। सो हम लोग मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम में अभी हम नॉन कमर्शियल, विदाउट एनी कमर्शियल सपोर्ट कर सकें, एक पॉजिटिविटी को और ज़्यादा स्प्रेड कर सकें, ताकि हमारा समाज और हमारे देश के बच्चे और टीचर्स जो उनको डेवलप कर रहे हैं हर रोज, वो भी मेंटली उतने स्ट्रॉन्ग बने एंड फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। सर जी सर, देखिए कोविड से पहले जो हमारा एक मॉडल चलता था हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑब्वियसली एक डिफरेंट था, क्योंकि कोविड से पहले दुनिया ही बिल्कुल अलग थी, कोविड के बाद पूरा वर्ल्ड बदल गया है ना। तो एजुकेशन सिस्टम में मैंने देखा ड्यूरिंग द कोविड जितने चैलेंजेस आए हैं, तो पर्सनली एज ए फाउंडर ऑफ लाइफ ज़ोनर मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुद से आके पहले एक इनिशिएटिव लेना है। हम हर रोज गवर्नमेंट को, लोगों को, आसपास सबको कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन हम सब खुद क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता राइट। सो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग बगैर पैसों के, जहाँ इतने फाइनेंशियल क्राइसिस और वहाँ जाके हम स्कूलों से पैसा मांगे, मुझे नहीं लगता दिस इज द राइट अप्रोच फॉर एजुकेशन सिस्टम। सो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया, हम स्कूलों के पास खुद कहेंगे लेट्स, वी आर कमिंग एंड वी आर गोइंग टू डू पॉजिटिविटी हैप्पीनेस इन योर टीचर्स इन योर सिस्टम एवरीवेयर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लाइट ज़ोनर, हमारा ऑफिस दिल्ली में है। इट्स अ मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों की मेंटल वेलबींग पे फोकस करती है और सोचती है कि कम्युनिटी की इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए उस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे कि टीचर्स हमारे भविष्य के बच्चों को तैयार करते हैं, तो उनके लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण हम लोग ये सेशन रखते हैं। इस सेशन में प्रोवाइड किया गया है कि स्ट्रेस से कैसे डील किया जाता है, अपनी पर्सनल स्ट्रेस और प्रोफेशनल स्ट्रेस को डिवाइड कैसे करा जाता है, और मेन जो चीज़ जिसकी इम्पोर्टेंस है उस पर कैसे फोकस किया जाता है। तो ये जो आप, ये वन ऑन वन सेशंस भी होते हैं पर्सनली लोगों के लिए, तो ये पूरी सोसाइटी जो कम्युनिटी है हमारी उसकी मेंटल हेल्थ के लिए है। जो मेन है हमारा मोटिव आजकल चल रहा है स्कूल्स, क्योंकि यहाँ से हमारा फ्यूचर जनरेशन निकलती है, तो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं टीचर्स की मेंटल हेल्थ पे। पहले तो आपका धन्यवाद कि आप स्पेशली आए और आपने देखा कि आज यहाँ पे क्या एक प्रोग्राम छोटा सा टीचर्स के लिए हो रहा है। ये आज लाइफ ऑनर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली की,
उन्होंने माइंड वेलनेस का एक छोटा सा प्रोग्राम टीचर्स के लिए करा है। ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, मैनेजमेंट के लिए भी था। इससे इसका पर्पस था कि सर जैसे इस टाइम ये जो टाइम हमारा चल रहा है, इसमें स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, और ऑनलाइन सिस्टम है एजुकेशन का, इससे बच्चे तो स्ट्रेस में है ही हैं, इससे ज़्यादा स्ट्रेस में स्टाफ है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए एक्टिविटीज़ यहाँ ऑर्गेनाइज करी जा रही है कि स्ट्रेस को कैसे कवर किया जाए और इनके माइंड को कैसे फ्रेश बनाया जाए कि ये जो सिचुएशन है इसको कैसे कोप अप करना है। तो आपके माध्यम से एक विनती करूंगी हमारी जो गवर्नमेंट है उनसे कि बच्चों के फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज अपना किया जाए, जितनी जल्दी हो सके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं, नहीं रेगुलर बेसिस पे हाइब्रिड मोड पे ही चाहे खोले जाएं, टाइम पीरियड कम हो जिसपे लंच ब्रेक असेंबली ना हो, बट बच्चे स्कूल में आए और जो इंटरेक्शन पर्पस है स्कूल के इन्वायरमेंट के साथ वो कवर हो, और एक जो इनका मेंटल वेलनेस मैं बच्चों के लिए भी बोलूँगी, और इसके साथ ही जो इनका एक इमोशनल टच है स्कूल इन्वायरमेंट के साथ वो स्टार्ट हो और जल्दी से जल्दी बच्चे अपने ट्रैक पे आएँ।